हेलो दोस्तों, अपवाइंड परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में क्रिस मेसीना ने ट्विटर छोड़ने की घोषणा की है तो उन्हें किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ट्विटर की, तो ये जो ट्विटर है, तो इस ट्विटर के संस्थापक कौन थे? तो ट्विटर के जो संस्थापक थे पहले, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जैक डोर्सी। ये क्या थे? ट्विटर के संस्थापक थे। हाँ, लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अंदर जो है इसको जो ट्विटर के सीईओ है वो कौन बन गए? तो ट्विटर जो है इसको हाल ही में परचेज किया किसने? तो इसको खरीदा है जो एलन मस्क है, उस एलन मस्क ने। कितने में खरीदा है इसको? तो एलन मस्क ने ट्विटर को हाल ही के अंदर कितने में खरीदा है? तो ये खरीदा है 44 बिलियन डॉलर। तो 44 बिलियन डॉलर में हाल ही के अंदर जो एलन मस्क है, जो टेस्ला के मालिक है, तो ये जो टेस्ला के मालिक है, इन्होंने हाल ही के अंदर ट्विटर को खरीदा है। तो देखिए, आज का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्रिस मेसीना है। तो देखिए आप लोग, ये हम लोग बात करते हैं क्रिस मेसीना की। तो क्रिस मेसीना जो है ट्विटर से पहले किसके अंदर थी? तो ट्विटर के अंदर, ट्विटर से पहले इन्होंने कहाँ काम किया है? गूगल में काम किया है। तो गूगल में इन्होंने कब से कब तक काम किया है? तो इन्होंने किया है 2007 से और 2019 तक। और उसके बाद जो है ये किसके अंदर आ गई? ट्विटर के अंदर आ गई। तो ट्विटर के अंदर इन्होंने जो ये हैशटैग होता है, ये हैशटैग जो होता है, इस हैशटैग का जो आविष्कार किया था, तो ये किन्होंने किया था? तो ये किया था क्रिस मेसीना ने। और जैसे हम लोग बात करते हैं क्रिस मेसीना की, तो इन क्रिस मेसीना ने जो ट्विटर के सीईओ है एलोन मस्क, तो इन एलोन मस्क पर हाल ही के अंदर मिस मैनेजमेंट जो है, तो इस मिस मैनेजमेंट का आरोप लगाया है। किसने लगाया है? तो ये लगाया है क्रिस मेसीना ने। देखिए आप लोग, मिस मैनेजमेंट का जो आरोप लगाया है वो किसने लगाया है? तो ये लगाया है क्रिस मेसीना ने। तो क्रिस मेसीना ने हाल के अंदर जो है ट्विटर छोड़ने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हैशटैग, है ना। तो हैशटैग के आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था क्रिस मेसीना ने। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारा, कि 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा, ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वाहन की, तो देखिए आप लोग, 100% इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाला
देश का पहला राज्य कौन सा बनाया? तो ये बनाया देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। तो जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो इस उत्तर प्रदेश ने क्या किया हाल ही के अंदर कि जो भी गवर्नमेंट गाड़ी है यानी जो भी सरकारी विभाग है, तो इस सरकारी विभाग में उपयोग में आने वाले वाहनों को वाहनों को 2030 तक है ना, तो 2030 तक जो है इलेक्ट्रिक में बदलने की घोषणा की है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि 2030 तक जो है इलेक्ट्रिकल वाहन में मतलब चेंज करने की जो घोषणा की है वो किसने की है, तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ कहां के मुख्यमंत्री है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। दूसरा देखिए आप लोग, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल जो है वो कहाँ की मुख्यमंत्री, सॉरी कहाँ की राज्यपाल है? तो वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। जैसे देखिए आप लोग, यदि हम लोग विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो सीटों की संख्या है 403। और विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 100। नेक्स्ट देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश की यदि हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या राज्य वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है ना। जैसे एक और देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर जो है सर्वाधिक सीट किसकी है? तो सर्वाधिक सीट जो है लोकसभा की है। तो यहां से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 80, और ये सर्वाधिक है। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग कि NHAI की जो स्पेशल परियोजना है तो इसके तहत कब तक 10,000 किलोमीटर का OFC है ना, तो OFC जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको विकसित करने का लक्ष्य है। तो जैसे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं NHAI है ना, तो NHAI जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI की हम लोग बात करते हैं, तो NHAI की स्थापना कब हुई थी? तो NHAI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1995 है ना।
सन 1995 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट देखिए, इसका जो मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। अब इसके जो अध्यक्ष हैं, तो उनका नाम आप लोग कमेंट के अंदर आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर देखिए आप लोग। तो जैसे हम लोग बात करते हैं एनएचआई के ना, तो इसने जो है ओएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ओएफसी का यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो हाल ही के अंदर क्या हुआ कि एक नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। तो वो किया है किसका? तो वो किया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। तो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर हाल ही के अंदर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जो लाइन है वो बिछाई जाएगी, और जिससे क्या होगा हमारा, जिससे जो है वो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान होगी। यानी जो हमारा 5G और जो 6G नेटवर्क है, तो इसको जो है हाल ही के अंदर जो है प्रोग्रेस मिलेगी किसके अंदर? तो ये मिलेगी एनएचएआई के ऊपर। तो इसको कब तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है? तो इसको जो है 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा 2025। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो देखिए आप लोग, हम लोग बात करते हैं फसल बीमा योजना। तो ये जो फसल बीमा योजना है, तो इसको कब से स्टार्ट किया गया? तो इसको जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था सन 2016 ईस्वी में। यानी इसको जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था सन 2016 में। इसके अंदर जो है वो क्या होगा, जो रबी की फसल है, तो रबी की फसलों के लिए जो प्रीमियम राशि है, तो उसका कितना परसेंट मिलेगा इसके? तो वो मिलेगा 1.5%। और जो खरीफ की फसल है, तो इन खरीफ की फसलों पर जो प्रीमियम मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो वो मिलेगा 2%। तो इसके अंदर जो राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो वो जीता है कर्नाटक की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा डी ऑप्शन, कर्नाटक। तो आगे देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किस राज्य में किसानों से संबंधित सलोका योजना लागू की गई है? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सलोका योजना की, तो ये जो सलोका योजना है, तो पहली बात ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किसानों से। अब देखिए आप लोग आगे, तो इस योजना के अंदर क्या क्या होगा? तो जैसे हम लोग बात करते हैं इस योजना की, सलोका योजना की, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो किसान होंगे वो अपनी भूमि का स्थानांतरण कर सकेंगे।
यानी आपस में क्या होगा, जैसे किसी किसान की जमीन है तो दूसरे किसान जो है वो उसको लीज पर ले सकता है। देखिए आप लोग, इस योजना में क्या होगा कि जो किसान होंगे, किसान जो होंगे वो अपनी भूमि का रूपांतरण कर सकेंगे। अब देखिए आप लोग कैसे कर सकेंगे, तो इस योजना के अंदर जो है 1,000 रुपये जो होगी वो तो लगेगी पंजीकरण सूची, यानी इस योजना के अंदर क्या होगा, तो इस योजना के अंदर क्या होगा, ये होगा कि 1,000 रुपये जो है ये तो लगेगा पंजीकरण शुल्क, और 1,000 रुपये क्या लगेगा इसके अंदर, तो 1,000 रुपये लगेंगे इसके अंदर स्टाम्प शुल्क का ना। यानी जो किसान है वो अपनी भूमि क्या कर सकेंगे इसके अंदर, मतलब अपनी भूमि का स्थानांतरण कर सकेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं सलोका योजना की, तो इसके अंदर 1,000 रुपये तो किसके लगेंगे, तो 1,000 रुपये लगेंगे पंजीकरण शुल्क के, और 1,000 रुपये किसके लगेंगे, तो ये लगेंगे स्टाम्प शुल्क के, ठीक है ना। तो ये किस राज्य में लागू हुई है, तो ये लागू हुई है महाराष्ट्र के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री कौन है, तो यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे, और यहां की जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल का नाम क्या है, तो ये नाम है रमेश बैस। तो रमेश बैस जो है वो यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो यहाँ के महाराष्ट्र के अंदर जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक तो है चंदोली, चंदोली नेशनल पार्क, दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा है भीमा शंकर नेशनल पार्क। तो भीमा शंकर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, और चंदोली जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पर है, तो ये भी होगा महाराष्ट्र के अंदर। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग झीलों की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है, हाँ, जिसका रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं लोनार झील की, तो ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है। दूसरा देखिए, इसका जो रंग है वो कौन सा है, तो इसका रंग है गुलाबी, है ना। तो ये एक ज्वालामुखी निर्मित जो है झील है, कौन सी, लोनार झील, और यह एक करेक्टर झील का भी उदाहरण है। जैसे देखिए आप लोग, यहां पर एक और झील है, तो उस झील का नाम क्या है, तो उस झील का नाम है शिव सागर झील। तो शिव सागर झील और लोनार झील कहां पर है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहां पर हम लोग दर्रे की बात करते हैं, तो यहाँ पर दर्रे हैं बोरघाट, तो ये जो बोरघाट दर्रा है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बॉम्बे के अंदर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए आप लोग, महाराष्ट्र की हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर जो है लोक नृत्य कौन सा फेमस है, तो लोक नृत्य की बात करते हैं, तो एक तो है लावणी और एक है तमाशा। तो लावणी और जो तमाशा लोक नृत्य है, तो ये कहाँ, कौन से स्टेट के हैं,
ये है महाराष्ट्र स्टेट के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो देखिए आप लोग, हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं डिजिटल लेन देन की, यानी डिजिटल का मतलब है कि इंटरनेट के द्वारा जितना भी ट्रांसफर होता है पैसा, तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं डिजिटल लेन देन। तो इसे डिजिटल लेन देन में जो है वो सबसे शीर्ष पर कौन है, तो इसके अंदर जो सबसे शीर्ष पर है वो है बेंगलुरु। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है इसमें दिल्ली है। सेकंड स्थान पर कौन है, तो वो स्थान है नई दिल्ली का। और थर्ड स्थान किसका है, तो थर्ड स्थान है बॉम्बे का। तो जैसे हम लोग बात करते हैं बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु जो है वो एक वित्तीय वर्ष के अंदर कितना डिजिटल लेन देन करता है, तो ये करता है 2.96 करोड़, है ना, यानी 2.96 करोड़ रुपए जो है वो डिजिटल लेन देन कौन करता है, तो ये करता है बेंगलुरु शहर। जैसे हम लोग बात करते हैं नई दिल्ली की, तो ये करता है 1.96, है ना, सॉरी 1.86, है ना। तो ये कितना लेन देन करता है, और बॉम्बे कितना करता है, ये करता है 1.57 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बेंगलुरु होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपको किसी न किसी एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको लगा लिए आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने मन की बात के 100वें संस्करण पर कितने रुपए का सिक्का का लोकार्पण किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मन की बात, तो ये जो मन की बात कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसने की है, तो इसकी जो शुरुआत है वो की थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 3 अक्टूबर 2014 को। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात जो कार्यक्रम है, तो इसकी शुरुआत कहां से की थी, तो ये देखिए आप लोग। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये मन की जो बात है, तो इसको आज में कितना टाइम हो गया, तो इसको टाइम हो गया 100 दिन हो चुके हैं ना। तो जो 30 अप्रैल होगी, तो इस 30 अप्रैल को कितने दिन हो जाएंगे इसको, तो इसको जाएंगे 100 दिन। तो इस 100 दिन के अवसर पर जो है हमारे जो मोदी है भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, तो वो किया है 100 रुपए का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 100 रुपए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हाल ही में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी है ना जयदीप मुखर्जी ने किस नाम से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। तो
देखो जैसे हम लोग बात करते हैं, जयदीप मुखर्जी, तो ये जो जयदीप मुखर्जी है ये अपने पेशेवर से क्या है, यानी अपने पैसे से ये एक टेनिस खिलाड़ी है। यानी इनका जो है टेनिस के खेल में बहुत ही योगदान रहा है भारत के लिए। तो सन 1966 के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो सन 1966 के अंदर इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो इनको अवार्ड दिया गया था अर्जुन अवार्ड, जो कि एक बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है खेल के क्षेत्र में। जैसे हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, जो फर्स्ट अर्जुन अवार्ड है, तो फर्स्ट अर्जुन अवार्ड पाने वाले जो खिलाड़ी है तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उनका नाम है सलीम दुर्रानी जी। तो उनका भी हाल ही के अंदर क्या हुआ था, निधन हो गया था। तो उनका नाम है सलीम दुर्रानी, है ना। और ये कहते हैं एक क्रिकेटर थे, तो ये भी कहते हैं एक क्रिकेटर थे, है ना। तो इनका हाल ही के अंदर क्या हुआ, निधन हो चुका है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं जयदीप मुखर्जी, तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी किस नाम से लिखी है, तो वो लिखी है क्रॉस कोर्ट के नाम से। किसके नाम से, क्रॉस कोर्ट के नाम से। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऑटोबायोग्राफी, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये किसकी आत्मकथा है ना, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, युवराज सिंह जी की, है ना। और ये भी एक भारतीय क्रिकेटर है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि जो बिलीव आत्मकथा है, तो ये बिलीव आत्मकथा किसकी है, तो ये है सुरेश रैना की, है ना। तो सुरेश रैना की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बिलीव। जैसे देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि अनब्रेकेबल, है ना, तो जो अनब्रेकेबल है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, तो ये है एमसी मेरी कॉम की, है ना। जैसे देखिए आप लोग, 281 एंड बियॉन्ड, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये बायोग्राफी है वीवीएस लक्ष्मण जी की, है ना। वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 281 रन बनाए थे, तो ये आत्मकथा किसकी है, तो ये है वीवीएस लक्ष्मण की, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए आप लोग, तो ये जो आत्मकथा है वो किन किन की है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में ओलिवर डाउडेन जो है, तो इनको कहाँ का उप प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ओलिवर डाउडेन की, तो ये जो ओलिवर डाउडेन है, तो ये कहाँ के जो है, इनको उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है,
तो इनको किया है ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री, और जो इनको उप प्रधानमंत्री बनाया है तो वो क्या किसने नॉमिनेट किया है, तो ये नॉमिनेट किया है भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है ऋषि सुनक। तो ये जो ऋषि सुनक है, तो इन्होंने हाल ही के अंदर ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री जो है नॉमिनेटेड किया है, किनको, तो ये किया है ओलिवर डाउडेन को, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रिटेन, ये होगा हमारा राइट आंसर ब्रिटेन, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन की, है ना, तो ब्रिटेन जो है, तो इस ब्रिटेन के अंदर जो ये ओलिवर डाउडेन है वो पहले इस किस पद पर थे, तो ये पहले सचिव के पद पर थे, है ना। तो जो ओलिवर डाउडेन है वो इससे पहले किस पोस्ट पे थे, तो ये थे मुख्य सचिव जो होते हैं उस सचिव की पोस्ट पर, कौन थे, ओलिवर डाउडेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आज की बहुत ही सेंसिटिव खबर है कि हाल ही में, देखिए आप लोग, कि हाल ही में किस प्रेस ने जो मारियोपोल अस्पताल है उसके हमले की तस्वीर के लिए कौन सा पुरस्कार जीता, तो ये जीता वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस जो फोटो अवार्ड है, तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड है, तो इसका पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका पुरस्कार जीता है जो एसोसिएटेड प्रेस है, तो ये जो एसोसिएटेड प्रेस है, तो इन्होंने क्या किया था कि जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा था उस टाइम, तो यूक्रेन जो है, उस यूक्रेन के ऊपर रूस ने जो है हमला किया था, तो इस हमले में आप लोगों को पता है, तो इस हमले में बहुत से लोग मारे गए थे, तो वहाँ पर जो मतलब अस्पताल के अंदर जो वहाँ की जो तस्वीरें दिखाई थी, तो वो तस्वीरें किसने दिखाई थी, तो वो दिखाई थी एसोसिएटेड प्रेस ने। तो इसको जो है हाल के अंदर कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो वहां पर आप लोगों को पता है कितने लोग मारे गए थे, है ना। तो वहां की जो तस्वीरें दिखाई थी, तो वो कौन सी न्यूज एजेंसी थी, तो उसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। तो इसको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो इसको दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड, है ना। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर मार दो, है ना, और क्लास पसंद आ रही है आप लोगों को, तो लाइक करना ना भूले। ओके, थैंक यू।